हो चुका है दिन के खाने का टाइम, और इसलिए कढ़ी और चावल गर्मा गर्म, साथ में बड़ी बड़ी लाल मिर्ची सूखी वाली। मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी कैसा हो रहा है? मैंने बनाई आज तो कढ़ी अच्छी हो गई थोड़ी सी, देखो कैसे लाड़ दे। कढ़ी बन के हो चुकी है हमारी रेडी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे मैंने सोचा है कि हम अपने दोस्तों को सबको जय श्री राम बोला करेंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे। तो आज के व्लॉग में भी शुरू कर रही 8:30 बजे, क्योंकि ना मैं पहले सारा सेटअप कर रही थी अपने काम का जो मुझे आज बनाना है। तो आज मैं बनाने ली पकौड़े वाली कढ़ी। वैसे बनाती हूँ ज़्यादा, तो मम्मी बनाती है कढ़ी, जब बनती है तो मैंने सोचा ना सारा सेटअप कर लूँ, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं पकौड़े वाली कढ़ी कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनाऊँ कुछ अच्छा, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी। ऐसी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और ओगी ने कर दिया, मैं सरदर इसे मैं घुमा के ले आई हूँ, फिर भी इतना बहुत बदतमीजी दिखा रखी है सुबह से। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना, मैंने सारा सेटअप रख लिया है। तो ये हमने बनाई है पहले कढ़ी, इसको ना मैंने 2 पैकेट मट्ठा और 2 बड़े चम्मच बेसन सब घोल के और मसाले डाल के इसको ना पहले मैं अच्छे से पका ले रही हूँ। अभी इसमें ऑयल नमक वमक कुछ नहीं डाला, नमक बाद में डालेंगे क्योंकि नमक से ना फिर बेसन फट जाता है। तो नमक आराम से लास्ट में डालेंगे। तो ये अभी उबल चुकी है, एक उबाल इसमें आ चुका है। तो अब मैंने इसे कम आंच में पकने को रख दिया है। और साथ मैं बना रही हूँ मैं किनारे में पकौड़े। तो पकौड़ों के लिए मैंने यहाँ पर रखा है प्याज, हरी मिर्च, बेसन, अजवाइन, लाल मिर्च और ये मसाले सब जो भी घर में मसाले यूज होते हैं, हल्दी, ये सबको घर में इजीली मिल ही जाते हैं मसाले। तो सब मैंने इसमें डाल के अब इसमें बनाऊंगी गर्मा गर्म पकौड़े। और तेल हो चुका है गर्म, और साथ में मैं अभी कढ़ी के तड़के के लिए काट रही थी लहसुन। अभी प्याज मेरा बाकी रह गया काटना, पहले बना लेती हूँ मैं गर्मा गर्म पकौड़े। तो ये पकौड़े का बैटर ना बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो अब बना लेती हूँ मैं गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े बनके गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं। पर देखिए मेरे पकौड़े का ना शेप हर वक्त ऐसे ही हो जाता है, जब भी मैं ट्राई करती हूँ गोल गोल नहीं बनते, कोई नहीं लेकिन खाने लायक तो बने हैं। और अब लगा लेते हैं हम कढ़ी में तड़का अपनी। तो ये मैंने यहाँ पे लहसुन काट लिया, मेथी दाना रखा है, जीरा रखा है, लाल मिर्च रखी है सूखी, और ये राई है, और ये प्याज, इनको काट के रख दिया है। अब लगा लेते हैं बढ़िया सा तड़का। मुझे तो अपने पकौड़े को देख कर रोना आ रहा, कैसे बना दिए मैंने इतने गंदे पकौड़े, इतने गंदे भी बनते हैं क्या, पूरे फैल गए ये। अब पता नहीं खाने में कैसे होंगे। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ आलू के गुटके। नाना कह रहे थे ना मुझे आलू के गुटके खाने, तो मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं, अभी ठंडा हो गया, अब इनको छिलूंगी। चावल भी बनने के रख दिए है हाथ में, हाथ में ज़्यादा कढ़ी के साथ साथ चावल भी बन जाएंगे, और कढ़ी के साथ चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी एक काम रह गया मेरे को, आलू छिलना, आलू को बनाना। कढ़ी बन के हो चुकी है हमारी रेडी। तो मैंने इसमें डाल दिए साथ में पकौड़े। पकौड़े डालने के बाद में मैं इसे 5 मिनट अब इस वैसे हल्की आँच में पकाऊंगी, इनको अब ऐसे पकने देते थोड़ी देर 5 मिनट के लिए पकौड़ों को। और नमक मैंने इसमें डाल दिया, नमक हमेशा आप लोग बाद में डालें, क्योंकि नमक पहले डालोगे तो कढ़ी फट जाती है, तो नमक को लास्ट में डालें। तो नाना और मम्मी के लिए मैंने आज नाश्ते में बना रखे हैं आलू के गुटके, पहाड़ी आलू के गुटके चटपटे, क्योंकि नाना और मम्मी कहते हैं ना आलू खाने का मन है।
और साथ में कढ़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है बढ़िया तरीके से। और अभी मैं अपने लिए सुन के नाश्ता बनाने लगी सेवई नमकीन वाली, क्योंकि सेवई को भी बहुत पसंद है मुझे भी। वैसे तो मम्मी से बनवाती हूँ लेकिन आज मैं खुद बना रही हूँ। तो अभी मैंने रख दिया आलू से, वो आलू तो वैसे डालते हैं कच्चे रह जाते हैं तो इनको ना फ्राई करके डालने में ज़्यादा सही रहता है। जाना हो रहा है आज तो, पाला गिर रहा है पाला। हाँ सुबह मैं अगली घुमाने लगी ना, ऐसा लग रहा था मेरे को, लगा मेरा बारिश हो रही है, पाला गिर रहा था। तो अभी बच्चों को छाड़ दस और मैंने ना ओगल को नहलाया, ओगल को नहलाने के चक्कर में मैंने पूरा नहा लिया अपना, तो अब भी उठ चुका है। क्यों ठंड हो रही है? गर्म हो रही ना, सारा गर्म हो रही है। ओगल रखा ओगल को मैंने नहला के इसके यहाँ पर हीटर चला के रखा है अभी। तो अब कर लेते हैं हम लोग पहले नाश्ता। नमकीन पाला गिर रहा है बाहर देख जरा। और ये बन के साथ में भी चाय गर्मा गर्म, क्योंकि ठंड के दिन में ना चाय ना पी तो मजे नहीं आते। तो अभी बज चुके हैं दिन के 2 बजने वाले और हमारा हो चुका है दिन के खाने का टाइम। और इसलिए कढ़ी और चावल गर्मा गर्म, साथ में बड़ी बड़ी लाल मिर्ची सूखी वाली। मम्मी से पूछती हूँ मम्मी कैसा हो रहा है, मैंने बनाई आज तो कढ़ी। वैसे मम्मी बनाती है ना पकौड़ी वाली कढ़ी, आज मैंने बनाई। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा से मम्मी के वहाँ। क्यों जा रही हूँ मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी, और साथ में मैं ले जा रही हूँ अपने ओगी। तो देखिए गाइस ओगी जा रहा है आज हमारे साथ मम्मी के घर, मैं इसको भी ले आई आज घुमाने के लिए। इसके लिए ना मुझे पूरा ऑटो ही बुक करना पड़ गया, बदतमीज इसके लिए बाहर देख रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है। तो मैं अपने साथ ओगी को ले गई थी मम्मी के वहाँ, लेकिन ओगी ने मुझे वहाँ बहुत परेशान करा, तो मुझे ना इसको फिर रात को घर को लाना पड़ा। तो माना भी आ रहा है मुझे छोड़ना घर, साथ में ओगी भी आ रहा है। देखो इसको कैसे बैठा के ला रहा है और कितने मज़े से बाहर देखते हुए आ रहा है, बिल्कुल मज़े लेते हुए।